विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, आंखें बंद रखें और सबसे पहले मनन करें जो अब तक सुना। कुछ क्षण रिकॉल करें जो सुना, उसे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, अमल में लाना है। शांत चित्त होकर बैठे हैं, प्रार्थना करने के लिए ध्यान मुद्रा में अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने मन में बनने वाले चित्रों से, अपने ही शब्दों में प्रार्थना शुरू करें। सबका मंगल हो ये भाव हो, सबके मंगल में मेरा मंगल है, मेरे मंगल में सबका मंगल है, सबका हित प्रेम आनंद मौन के साथ जीने में है, सबका स्वास्थ्य प्रेम आनंद शांति में है। हे परमात्मा, सबको अपने हित का पता चले, किस बात में सचमुच भलाई है यह सभी जान जाएं, स्वास्थ्य दूर नहीं पहचान जाएं, मन से अस्वीकार निकलने के साथ, विकार निकलने के साथ, आकार में उलझना छोड़ने के साथ स्वास्थ्य खुद ब खुद आकर्षित होता है। सभी अपनी प्रज्ञा विवेक शक्ति से सच्चाई देख लें, वे कौन हैं पहचान लें, स्वयं को सत्य बताना सीखें। इस वक्त सब ग्रहणशील हैं, जो मिल रहा है वह आत्मसात हो रहा है। इस ग्रहणशीलता में जो भी रुकावटें हैं, शरीर से बाधाएं हैं, विचारों से नकारात्मकता है, वातावरण से सर्दी गर्मी है, लोगों से अनबन है, सब समाप्त हो रही हैं। इन सब के बावजूद भी
मेरी उपस्थिति स्वीकार भाव के साथ है। मैं ग्रहणशील हूँ। मेरा ध्यान सत्य के साथ है, ईश्वर के साथ तालमेल में है। शुभ्र प्रकाश इस ग्रहणशीलता के साथ मुझ में प्रवेश कर रहा है और पूरे ग्लोब पर यह प्रकाश मेरे हाथों से छा रहा है। ग्लोब, पूरा ग्लोब शुभ्र प्रकाश में नहा रहा है और उससे सुनहरी प्रकाश, चेतना का सुनहरी प्रकाश बाहर आ रहा है। इस प्रकाश में सारे गलत बिलीफ, गलत मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। प्रार्थना के बाद अंत में कुछ क्षण बाद जब आँख खुलेंगे तो पहले ही मन को बता दें, जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। मेरी यह शुभ इच्छा पूर्ण हो, ये भाव लाते हुए तपर्पण करें। जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश होगा, उस दुनिया के साथ उतना ही जुड़ूंगा, उतना ही जुड़ूंगी जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। सभी धीरे धीरे आंख खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब मन को ट्रेनिंग मिल रही है कि तुम सही सही बताना सीखो। जो तुम देख रहे हो बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो। इंसान को थकावट होती है ना, क्या बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसको कहा जाता है ऐसा एग्जैक्टली बताओ कितने थके हो। शरीर को देखो, पहले पूरा शरीर देखो, कहाँ कहाँ थकावट है, पेट थका हुआ है क्या, पीठ थकी हुई है क्या, हर पार्ट को देखो। फिर वो क्या बोलता, नहीं थोड़ी आँखों के चारों तरफ थकावट है, थोड़ी गर्दन में है, थोड़ी पीठ में, बस बाकी तो कहीं थकावट नहीं लग रही। हाँ ये एग्जैक्ट है, निश्चित का है, नक्की का है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है खुद को बताओ। वरना मन जल्दबाजी में क्या करता है, ज़्यादा बता देता है। और कभी भी आपने मन को टोका नहीं, एग्जैक्टली बता थकावट हो रही कितनी हो रही, बता, फीलिंग आई ना इमोशन दुख का, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, निश्चित का है, बोर हो रहा हूँ तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखो पहले। ऐसे अनाउंस मत करो, तो मन को सच बोलने की आदत पड़ेगी और सच बोलने के लिए उसको देखना पड़ेगा। इमोशन दुख का फीलिंग आया है, लोगों को दुख का फीलिंग आता है तो क्या करते, सामने वाले पर बरस पड़ते या अंदर निगल लेते, किसी को कुछ बोलते नहीं, या तो दूसरे को बीमार करते या तो खुद को बीमार करते। लोगों को दो ही तरीके आते, परेशानी हुई तो वो परेशानी सामने वाले के ऊपर फेंकेंगे, घर आएंगे, बीवी पर, बच्चों पर, या किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। क्या ये दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका है,
जहां ना आप उगलते हो ना निगलते हो, जहां आप साक्षी भाव से ध्यान देते हो तीनों बच्चों को, तो क्या होगा? वो जो इमोशन है शरीर पर कहां अटका हुआ है? हृदय पर, नाभि के ऊपर, शोल्डर्स में, हेड में कहीं फीलिंग, तो आप देखोगे धीरे 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 वो कम कम होते जाता है, क्योंकि परमानेंट कुछ नहीं है। और इस मन को ट्रेनिंग दोगे तो बुद्धि को भी दोगे। बुद्धि को क्या ट्रेनिंग दोगे? सही सवाल पूछो, सही सवाल पूछो। इंसान कहता है ये काम पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, तो उसको कहा जाए सही सवाल पूछो, ये काम कैसे हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता तो क्या होता है? तेजस्थान बंद हो जाता है। आपके अंदर कितनी आइडियाज है तेजस्थान पर, आप सही सवाल नहीं पूछते हो, इसलिए अंदर से जो आना चाहता है वो आता नहीं है। तो बुद्धि को ट्रेनिंग मिले, ध्यान मिले कि तुम सही सवाल पूछना सीखो। जब भी कुछ होता है तो आप पूछते हो ये किसके साथ हो रहा है, अरे बहुत दुख आया, परेशानी आई, किसको आई है? आप सवाल पूछते किसको आई है? मुझे, यानी मैं कौन? मुझे आई है यानी मैं कौन हूं, पहले पक्का तो करो, हु एम आई? तो पता क्या चलेगा, आपको तो किसी ने टच किया ही नहीं, आप जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे उधर आया है इमोशन, फीलिंग उस शरीर पर है। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो और अचानक आईना गर्म हो जाए तो आप क्या कहोगे? मैं गर्म हो गया? नहीं कहोगे, मगर आपको अपनी शक्ल तो वैसे भी दिखाई देगी गर्म आईने में भी, ठंडा कर दो उसको फिर भी आपकी शक्ल दिख रही। यानी आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि हमेशा रेडी है आपको आपका दर्शन करवाने के लिए, मगर इंसान भूल गया है कैसे दर्शन करें, स्वदर्शन कैसे करें। देखो कान पर आवाज पड़ती है तो आप जान जाते हो ना, मुझे कान है, जान जाते हो कान है। दृश्य देखते हो तो आप जान जाते हो मेरे पास आंख है। सुगंध आती तो आप जान जाते हो मेरे पास नाक है। नाक नहीं होती तो कहां सुगंध आती, आंख नहीं होती तो कहां दृश्य दिखाई देता। स्पर्श मिलता है हमें, पता चलता त्वचा है। तो विचार आता तो क्या पता चलता है क्या है? विचार आता है तो क्या पता चलता है? सेल्फ है, जानने वाला, जानने वाला है, मगर उस पर कभी ध्यान जाता ही नहीं। बुद्धि को भी ट्रेनिंग मिल रही है, सही सवाल पूछना सीख रहे हैं, आज तो सुन लिया सब, मगर घर पे ये प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे, और निरंतरता मूल मंत्र है सफलता का, निरंतरता। हर दिन मौके आते हैं सही सवाल पूछने के, तो ये समझ में आ गया तो आप अगली पॉइंट समझोगे कि चोंच अगर अटक रही है, कुछ तो लालच है, पिंजरे में कोई मिर्ची वगैरह रखी है, छोड़ना नहीं चाहता उसको। इंसान को छोटे छोटे सुखों में अटका रहता है, एक छोटा सुख बड़े लक्ष्य में बाधा बन सकता है, छोटी चाहत मूल लक्ष्य की तरफ रोक देती है। तो अपने अल्टीमेट लक्ष्य को, पृथ्वी लक्ष्य को छोटी छोटी इच्छाओं से बचाओ, खुद को याद दिलाना पड़ेगा। छोटे सुख को छोड़ नहीं पाता इंसान, की जो चोंच अटक गई पिंजरे के अंदर, कुछ मिल रहा है उसको उधर, आजादी से ज्यादा प्यारा वो हो जाता है। देखो पक्षी के लिए आजादी का महत्व कितना है, पिंजरे में रह रहा है पक्षी, आजादी कितनी प्यारी होनी चाहिए कि मैं आजाद हो जाऊंगा, मगर फिर पिंजरे में कुछ है उसको कैसे छोड़ूं। कोई छोटा सुख पकड़कर चोंच पिंजरे में ही, पक्षी पूरा बाहर, पंख खुल गए मगर फिर भी अटका रहा, यानी इतना नजदीक आकर, स्टेबलाइजेशन के नजदीक आकर। तो खुद से आपको कपट मुक्त बातचीत करनी पड़ेगी कि मेरा सुख क्या है पिंजरे में। जरूर कोई सुख है जिस वजह से मैं पिंजरा छोड़ना नहीं चाहूंगा,
तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करूं, तो कहीं से शुरुआत करोगे? मेरी चोंच क्यों अटक रही है, कहाँ अटक रही है, किन बातों में मैं फंस रहा हूं? तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग शुरू करोगे और आज़ादी से प्रेम बढ़ेगा तो ये सहज होगा, बहुत सहज होगा। जिनको भी आज़ादी से प्रेम हो गया वो फिर छोटी बातों में नहीं अटकेंगे, मगर वो प्रेम भी तो कुनकुना है ना, अभी उतना बड़ा भी नहीं है, बल भी नहीं है उस प्रेम को, थोड़ा सा प्रेम है, हाँ थोड़ा ये भी मिले थोड़ा ये भी मिले। तो जब प्यास ज़बरदस्त हो जाती है और उदाहरण भरे हुए हैं जिनके अंदर आज़ादी के लिए प्रेम पीक पर पहुँच गया, वे आज़ाद हो गए। क्योंकि आज़ाद होना क्या था, आज़ाद थे ही, सिर्फ मान्यताओं का बंधन था, बस गुरु मिले उन्होंने कहा वे आज़ाद हो गए, सुना आज़ाद हो गए, श्रवण किया आज़ाद हो गए, इतना ही समय लगना था। पिंजरे में ऐसा क्या है? और कई बार इंसान आज़ाद हो गया है मैं चोंच दुख में अटकी हुई है, ये मेरा दुख समाप्त हो जाए तो मैं आज़ाद हो जाऊँ, तो उनको फिर खोज सिखाई जाती है, खोज करो कौन सा जो दुख है तुम्हारा, वाकई वो दुख है क्या, वरना अननेसेसरी वो दुख भोग रहे हो जो तुमको मिला ही नहीं है। जैसे पर्सन सोच रहा है आज मेहमान आएंगे, फिर ये करना है वो करना है, फ़ोन आया था मेहमान निकले दिल्ली से और इतना परेशान है, ये करना अभी सब्जी नहीं है, उस पर चिल्ला रहा है, उस पर चिल्ला रहा है, फिर अचानक मालूम पड़ता है कि मेहमान हमारे घर नहीं ठहरने वाले, किसी और के घर ठहरने वाले हैं, तो इतना दुख भोगा जो मिला ही नहीं था, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं हुई थी बस, सिर्फ ठीक से बातचीत नहीं हुई थी बस, तो जो दुख मिला ही नहीं इंसान वो भी भुगत रहा है। तो पहले तो कहेंगे कि जो नहीं मिला उसको मत भुगतो, बाद में जो मिला है वो भी वाकई है क्या दुख, फिर उस पर खोज करो, तो सारे दुख समाप्त होते। अज्ञान में इंसान कितना दुख भुगत रहा है, इन सबसे बाहर आना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।